गाइस, क्या आपको ये बात पता है या फिर कभी आपने ये बात सोची है कि क्या जिनको पता है कि काजुया ही उसका फादर है, क्योंकि जून ने जिनको काजुया के बारे में नहीं बताया था कि काजुया ही उसका फादर है, तो जिनको कैसे पता चला कि काजुया ही उसका फादर है। और पूरी टेकन सीरीज में जिन और काजुया का सामना बस एक बार ही हुआ है, वो भी टेकन 4 के इवेंट में, जहाँ हियाची जिनको चेन से बांध के रखता है और हियाची काजुया को जिन के पास ले जाता है, जहाँ काजुया जिनको देखते ही समझ जाता है कि जिन ही उसका सन है, क्योंकि उस टाइम काजुया का डेविल काजुया पर हावी हो जाता है। बट बाद में जिन रिलीज हो काजुया और हियाची को डिफीट करता है। और पूरी टेकन सीरीज में जिन और काजुया का सामना बस इतना ही हुआ था। एंड इसके बाद टेकन 6 और टेकन 7 में जिन और काजुया आमने सामने नहीं आए, तो फिर जिन को कैसे पता चला कि काजुया ही उसका फादर है। जिन के बायो में भी ये बात पूरी तरह से क्लियर नहीं बताई गई है कि जिन को कैसे पता चला था कि काजुया ही उसका फादर है। जिन के बायो में बस इतना बताया गया है कि जिन को 15 की एज में पता चलता है कि काजुया उसका फादर है, बट जिन को ये बात कैसे पता चली ये गेम में नहीं बताया गया है। बट अगर मैं आपको कुछ अपनी पॉसिबिलिटीज बताऊं कि जिन को कैसे पता चला होगा कि काजुया ही उसका फादर है, तो शायद आप मेरी बात से सेटिस्फाइड हो। आपको याद होगा कि जून ने जिन से कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो अपने ग्रैंडफादर हियाची मिशिमा के पास चले जाए। एंड बाद में ऐसा ही होता है, ओगर जून को मार देता है और जिन अपनी मदर का बदला लेने के लिए अपने ग्रैंडफादर हियाची मिशिमा के पास जाता है, जहां हो सकता है कि इसी पॉइंट पर जिन को मिशिमा फैमिली एंड काजुया के बारे में पता चला हो कि काजुया ही उसका फादर है, क्योंकि जिन ने अपने ग्रैंडफादर हियाची से अपनी फैमिली और अपने फादर के बारे में जरूर पूछा होगा। और शायद हो सकता है कि हियाची ने जिन को सब कुछ बता दिया हो कि काजुया ही उसका फादर है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब जून ने जिन के ग्रैंडफादर के बारे में कहा होगा कि वो अपने ग्रैंडफादर हियाची मिशिमा के पास चले जाए, तो शायद जिन के मन में ये सवाल आया होगा कि हियाची मिशिमा उसके ग्रैंडफादर कैसे हैं और उसके फादर भी कौन है। और इसी रीजन की वजह से हो सकता है कि जून ने ही जिन के फादर काजुया के बारे में बताया हो कि काजुया ही उसका रियल फादर है। बट इसमें से मुझे हियाची की बात ज्यादा सही लगती है कि हियाची ने ही जिन को बताया होगा कि काजुया ही उसका फादर है, क्योंकि हमने ऐसा टेकन की लाइव एक्शन मूवी में देखा है। इसी रीजन की वजह से मुझे लगता है कि शायद हियाची ने ही जिन को बताया हो कि काजुया ही उसका फादर है। सो गाइस, ये तो थी मेरी थ्योरीज। बट आपको क्या लगता है कि जिनको कैसे पता चला होगा कि काजुया ही उसका फादर है? एंड क्या आपके मन में ये क्वेश्चन आया था? अगर आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। और मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।